हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 12 अगस्त दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों की हर समस्याओं का होगा समाधान। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, वह नंबर है 1800180551। इस पे कॉल करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ किसान अपनी भाषा में, अर्थात जो भी आपकी भाषा होगी उस भाषा में कृषि कार्यों में तकनीकी और कृषि संबंधित मुद्दों के बारे में सुझाव या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस टोल फ्री नंबर पर करीब 22 भाषाओं में जानकारी मुहैया करवाई जाती है। यहाँ कॉल करने पर अगर कोई भी गंभीर समस्या है तो सीधे उस विषय के विशेषज्ञ से बात कराई जाती है। दोस्तों किसानों से जुड़ी खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन से जुड़ी किसी भी समस्याओं का समाधान यहां पर किया जाता है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर पर स्थानीय मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार देश में करीब 13 किसान कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञ तैनात रहते हैं। दोस्तों किसान कॉल सेंटर की ब्रांच मुंबई में है, कानपुर में है, कोचीन में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में, हैदराबाद में, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, इन सभी शहरों में बनाई गई है। इस प्रकार आप कभी भी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो दिए गए टोल फ्री नंबर पर विशेषज्ञों से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिल माफी योजना की घोषणा की है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार के दौरान मंच से कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बिजली के बढ़े हुए बिल को छोटा किया जाएगा। वहीं जो गरीब बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे उनका बिल शिवराज सरकार भरेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा अभी बिजली विभाग के दफ्तर तक नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस इस घोषणा को आड़े हाथों ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली के बिल ब्रह्मा ने नहीं लिखा है, जो कि हम कभी बदल नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1 किलोवाट तक की बिजली की खपत करने वाले ऐसे उपभोक्ता जो बिल भरने में असमर्थ हैं उनका बिल शिवराज सरकार भरेगी। इसके अलावा बढ़े हुए बिलों का परीक्षण के बाद छोटा भी किया जाएगा। इस प्रकार बिजली बिल माफी में शिवराज सरकार उपभोक्ताओं को दे रही है बड़ी राहत। दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने हैं, वे हैं मऊगंज और नागदा। इनको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन 10 साल पहले साजापुर से अलग होकर बना आगरमालवा और 5 साल पहले बने निवाड़ी जिले में जिलों की जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि अब भी आगरमालवा के लोगों को साजापुर और निवाड़ी के लोगों को टीकमगढ़ पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं नागदा और मऊगंज ये दोनों जिले अस्तित्व में आते हैं तो इनको भी अपने पुराने जिलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों गोदामों में सड़ गया 3,40,00,000 रुपए का गेहूं, अब कौड़ियों के दाम में बिकने वाला है यह। जबलपुर जिले के गोदामों में किसानों से खरीदा गया गेहूं और धान खराब हो गया है। बरखेड़ा ओपन कैंप में जो गेहूं सड़ गया है उसे समर्थन मूल्य पर 1735 और 1840 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया था, लेकिन सड़ने के कारण अब कौड़ियों के दाम में बिकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर दवा का छिड़काव नहीं किया गया। वहीं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जबलपुर जिले के गोदामों में गेहूं का भंडारण कराया था, लेकिन सही समय पर देखरेख नहीं होने के कारण यह सड़ गया। आपको बता दें कि इसमें वर्ष 2018-19 का 13,950 मीट्रिक टन, वहीं 2019-20 का 5,000 मीट्रिक टन गेहूँ शामिल है। यह गेहूँ अब खराब हो गया है, इसकी कीमत 33 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब यह गेहूं और धान कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। इस प्रकार की लापरवाही का खामियाजा आम जन को ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों किसानों को मिलेंगे अब सालाना 12,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये, वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के 6,000 रुपये। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में शिवराज सरकार ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के 83,00,000 किसानों को
2000 रुपये का चुनावी उपहार देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अब 4000 रुपये के स्थान पर 6000 रुपये सालाना दिया जाएगा। यह फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। 2000 रुपये की तीसरी किस्त देने पर लगभग 1700 करोड़ रुपये का शासन पर अतिरिक्त भार आएगा। आपको बता दें कि यह किस्त कब कब मिलेगी। पहली किस्त है 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में मिलेगी। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवम्बर के बीच में। तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में मिलेगी। इस प्रकार 3 समान किस्तों में सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को 6000 रुपये देंगे। इसके अलावा कैबिनेट में पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने का भी फैसला लिया गया है। दोस्तों, प्रदेश के भिंड जिले के लहार में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन दर्शन कार्यक्रम हुआ था। इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार ऐसी राखी मनाई जाएगी जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 27 अगस्त को दोपहर 2 बजे फिर अपनी बहनों से मैं जुड़ने वाला हूं और इस बार ऐसी राखी मनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि बहनों के खातों में 1000 की 3 किस्तें डल गई हैं। इस राशि को बढ़ाकर मैं धीरे धीरे 3000 रुपये करूँगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने लाडली बहनों को आश्वस्त किया है। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। पिछले 5-5 महीनों से गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन, गुस्साए ग्रामीणों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम। दोस्तों, शिवपुरी जिले से खबर है। शिवपुरी जिले भर में राशन की कालाबाजारी चरम पर है। पिछले लंबे समय से राशन की कालाबाजारी के ज़्यादा मामले कोलारस से आए हैं। शुक्रवार को ग्राम खतोरा में ग्रामीणों ने कई महीने से राशन न मिलने से चक्का जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित लोग करीब 2 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। जनता ने आरोप लगाया है कि सेल्समैन उनसे हर महीने घर बुलाकर POS मशीन पर अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन राशन नहीं देता। किसी को 3 माह से तो किसी को 4 माह से तो किसी को 5 माह से राशन नहीं मिला है, जबकि दस्तावेजों में उसने राशन वितरण करना दिखाकर पूरा राशन ब्लैक मार्केट में बेच दिया। वहीं पुलिस प्रकरण दर्ज होने पर कलेक्टर साहब ने सेल्समैन को फटकार लगाई और मामले की जांच करवाई। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में सस्ते हो गए अब टमाटर। सब्जी मंडियों में 50 रुपये किलो में मिल रहा है टमाटर। दाम में कमी आवक बढ़ने से हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 सप्ताह के बाद शहर के ठेलों पर भी दिखेंगे अब टमाटर। शहर की मंडियों में अन्य सब्जियों की आवक भी तेज हो गई है, क्योंकि सब्जियों की आवक अब मंडियों में बढ़ गई है। पिछले 3 महीने से जनता पर लाल हो रहा टमाटर अब अपने तेवर हल्के करने लगा है। इंदौर में टमाटर के दाम कम हो रहे हैं। मंडियों में टमाटर की आवक तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से यह 50 रुपये किलो तक आ गया है और अगले हफ्ते तक इसमें और कमी आएगी। दोस्तों, रतलाम जिले से खबर है। रतलाम जिले में आलोट को जिला बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए लोग। वहीं व्यापारियों ने भी चुनाव का बहिष्कार करने का बना लिया है मन। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर अब लगातार विरोध के स्वर बढ़ते जा रहे हैं। कल जहां एक ओर जावरा शहर वासियों ने नगर व स्कूल कॉलेज बंद करवाकर जावरा को जिला बनाने की मांग की है, वहीं आज आलोट में भी सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और नागदा की बजाय आलोट को जिला बनाने की मांग करने लगे। वहीं जनता ने रैली निकालकर नारेबाजी कर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस प्रकार अब जनता में कहीं खुशी और कहीं गम चल रहा है। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको सफलता से मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।